आर्या, मैं वकील बोल रहा हूँ। आज से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस समय सब्जी मंडी में अपने आदमी और साथ में भाड़े के लोग सदा को भगा भगा कर मार रहे होंगे। अरे कालिया, किससे पंगा ले रहा है? घर के बाहर आज तक जिसने मक्खी तक नहीं मारी तू उसे मारने जा रहा है? छोड़ दे इसे। चल यहाँ से। जाके बोल दे अपने आर्या से कि उसने तलवार धंधे के लिए उठाया होगा, लेकिन सदा ने पैदा होते ही तलवार उठा ली थी। हाँ, अपनी माँ की और तलवार की कहानी के सीरियल की सीढ़ी बनाकर दे देना उसे, बात करता है। चल तू चुप कर, आर्या का मामला है ना, मैं देख लूंगा, तू चल आजा। भाई भाई, क्या करना है मुझे पता है, सदा की खोपड़ी गर्म हो गई है, आप बस पैसे दे दो, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ये ले, संभाल कर लेकर आना। हाँ हाँ, बच्चा है ना ये, चल रहे। अरे रुक जा गधे, मैं तो बहुत परेशान। अरे कहाँ दौड़ा रहा है, अबे गधे रुक, उनका बच्चा लेकर भाग रहा है। अरे भगवान, अरे कोई तो पकड़ो इसे। अरे अरे मेरा बर्तन लेके क्यों भाग रहा है? अरे रुक जा गधे। ए कौन है? अरे चेहरा दिखा, मुंह तो चेहरा दिखा। अरे चेहरा दिखा, मुंह क्यों छुपा रहा है? ए कौन है? अरे चेहरा दिखा, छोड़ दो, हटा हटा इसको, उठा हटा। बाबू क्या ये बुड्ढी के साथ भागम भाग खेल रहे हो? छोड़ ना बेटा, तू मेरा बेटा है लेकिन पैसा नहीं देता, और ये मेरी माँ है बुढ़िया, ये भी जरूरत के समय पैसा नहीं देती है, पूरी दुकान सरकार ने ले ली है, कोई उधार ही नहीं देता है, इसीलिए मैंने बर्तन हड़प लिया। गिरवी रखने के लिए सेठ की दुकान की तरफ जा रहे? वही तो, बर्तन के बदले पैसे देता है मुझे। ए, पहले उसे मेरा बर्तन देने के लिए बोल दे। बढ़िया, चिल्ला मत, पुराना बर्तन ही तो है ये। हाँ ये देखना, बहुत पुराना हो गया है। हाँ देखना, बर्तन में जंग लगी हुई है, इसके लिए इतना चिल्ला क्यों रही है तू? अंकिता मेरे पास गिरवी रख कर गई थी, वापस मांगेगी तो क्या कहूंगी मैं, पता है ना बहुत दिमाग खाती है वो। हाँ तुझसे भी ज्यादा। सुपर बाबू, अरे चुराना था तो अगल बगल से चुराता, अपने घर में चुराने की क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, सबने प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए हैं, उसको बेचूंगा तो एक कटिंग भी नहीं मिलेगी,
अब बर्तन दे दो। पहले तू पैसे दे दे, बर्तन मैं दे दूंगा। ए, बर्तन दे दो बोला ना। तू पैसे देगा तो मैं बर्तन दूंगा, डील या नो डील? ये देख मेरे से डील कर रहा है। डील? हाँ डील डील। ये क्या दे रहा है, इससे तो चखना भी नहीं आएगा। अबे चुप, नौटंकी कहीं का, इसके पास इतना ही थे। ये ले तेरा बर्तन, आ जाना ठेके पे, मुझे कंपनी देने। हाँ मैं उठा के ले चलूँ क्या? हाँ तू तो इसका ही बेटा है ना, ऐसे ही बर्ताव करेगा, जैसा बाप वैसा बेटा। पागल बुढ़िया। खाना खा लिया ना? अच्छा ही होगा। कोल्हापुर की बिरयानी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी थी। अच्छा ये बता, सदा के मटर का क्या हुआ? जस्ट मिस हो गया। मिस तुम लोग हुए या वो हुआ? वो क्या भागते हो तुम लोग, सारा बाजार तमाशा देख रहा था, जान बचाकर खुद भाग कर आयो, थोड़ा ही मिस हो गया। सारी बातें इसने बता दी है। तुम उनको भड़काओ मत वकील। खाना खा लिया ना, अब हाथ धो ले। हाँ रहने दो, बैठो बैठो, खाना खा लिया? दारू पियोगे? सर एक एक फूल मार के बैठे हैं। हाँ ठीक है, ये लो पान खाओ। अरे तू भी खाना। दारू पी चुके, खाना भी खा लिए, अब पान भी खा लिए, अब आगे। कौन है ये बासुकी? कौन है बासुकी? बहुत बड़ी तोप है क्या? लोखंडवाला में चोरी करने से लेकर वडाला में बड़े बड़े कांड करने तक हम दोनों साथ में थे, आज वो अचानक बहुत बड़ा तोप बन गया है। 10 लोगों को काटने की हिम्मत है क्या? इन सब की वजह कौन है? कौन है? सिर्फ वही है, अकेला वही है, सदा। उसको ठोक कर आओ बोला तो ऐसे कायरों की तरह आकर खड़े हो गए हैं? ए वकील क्या आइडिया दिया था तूने? देखो आर्या को टपकाने का आइडिया दे सकता हूँ, पकड़ाने पे बिल करवा सकता हूँ, उसे जाके टपका नहीं सकता। ए, जितनी तेरी जुबान चलती है उतना दिमाग नहीं चलता, जाओ जाओ सब लोग जाओ। तू बैठ जा। सुन उसको छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? वो सब देख लेंगे यार। यार ये देखो आ गया मुंबई का सिंघम। हाँ हाँ जैसे तू आज का अर्जुन है ना। ए वकील तुझे कोर्ट गए कितने दिन हो गए बे? पहले पैंट शर्ट को धोकर इस्त्री मारकर पहनना सीख ले। अरे साहब ये वकील अपनी इतनी शान पट्टी काई को झाड़ता है। तो और क्या करूँ, तुम जात वाले से अपनी बहन की शादी करवा कर बड़ी चलाकी से हवलदार से एसआई बने, फिर एसआई से इंस्पेक्टर बन गए। तुमने आर्या के लिए क्या किया? आर्या ये आदमी सदा बास्के की बात कर रहा है ना, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, कब से घात लगाए बैठा हूँ। चुप रहो, क्या सुनना चाहते हो? सड़क पर घूमने वाले आदमी का एनकाउंटर कर देते हो और इसको ठोकने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? देखो उसकी वजह से मैं अपना धंधा नहीं कर पा रहा हूँ, सदा नहीं तो बास्की भी नहीं। सदा को ठोक दो, मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। ये ले चल खा। अबे मुझे देख और खा। ए, ए, क्या है बे? देखा बोला तो घूर रहा है मुझे तेरी तो। क्यों भाई, 6 महीने पहले तो ये कुत्ता अंधेरे में बिना पहचाने तुझ पर भौंकता था, पता नहीं बेचारे ने डुप्लीकेट दारू पी होगी। इतनी सी बात पर इस तरह इसे बांध कर अभी तक तू उसको मार रहा है, ये सही है क्या? 6 महीने से धोखा दे रहा था, आज हाथ लगा ये। तेरी इतनी हिम्मत, सदा को देख के भौंकेगा? हाँ ए तू भी इसमें से खा, मत खा मुझे भी दे। कुत्ते का बिस्किट तू क्यों खा रहा है? तू इसको भी खाने नहीं दे रहा और मुझे भी ठीक से खाने नहीं दे रहा है। अरे प्रॉब्लम क्या है बे तेरी? ए दोस्त इसके पास फंस कर तेरी बैचलर लाइफ खराब हो गई यार। कौन है बे तू? सदा, ये सर सामने मानी के घर पर किराए पर रहने आए। बताया भी नहीं। अरे तूने पूछा नहीं तो इसमें मुझे क्यों घूर रहा है तू? पैंट के अंदर शर्ट, साइड में बैग और ये डब्बा, साथ में पैरों में जूते। किस गांव का है बे? सतारा से हूँ। अच्छा तो वहाँ का है? सतारा के बाजू में गांव है। अच्छा तो वहाँ का है, फिर यहाँ क्या कर रहा है? स्कीम बिल्डर्स।
क्या? स्कीम बिल्डर्स में काम करता हूँ। वो जो एक के ऊपर एक घर बनाते हैं। जी सर। ए, ये तो साला गुरु निकला यार। सैलरी कितनी है तेरी? 9,500 रुपए। 9,500 रुपए? पूरा 10,000 रुपए भी नहीं दे सकते क्या? कब देते हैं? 5 तारीख को। ए, मतलब कल है यार। अरे वाह वाह, कैसे इसको बराबर बुलाया यार। कल एक काम करना तुम, कल जब तुम्हें सैलरी मिलेगी तो 4 फुल ब्रांडी और जुहू के होटल से 4 प्लेट मटन बिरयानी ले। ओए, और मुझे चिकन बिरयानी और फिश फ्राई। अरे तुझे क्या चाहिए पहले ही बोल दे। हाफ बॉयल चाहिए। हट, चिंदी हाफ बॉयल मांगता है। जा जा जा। अबे देख मत, जा जा। बिल्डर साहब, मजाक समझकर खाली हाथ मत आ जाना, वरना कल कुत्ते की जगह तुम रहोगे, समझे? क्या मनी? कुत्ता तो दिख रहा है, मेरा शिष्य नहीं दिखाई दे रहा है। कुत्ता तो नॉर्मली जा रहा है, इसलिए 4 पैरों पे भाग रहा है, लेकिन मेरा बेटा टास मार्क से गुजरता हुआ आता ही होगा। अरे पति और बच्चे को खाना के बना कर मत मिला, यहाँ बैठकर फालतू बकवास करते रहना। वो देख चुड़ैल बैठी है, भूत पागल बेवड़े लोग कहीं के। चुप क्या, मैं बेकार में डर गया यार। क्या बेटा इतनी देर तक घूम रहे हो, खा के सो जाना चाहिए ना। में बहुत प्यार आ रहा है कि वो आया नहीं अभी तक, एक दुख है। कभी तो कटिंग मार के देख। अरे मेरा पति जितना पीता था उतना भी नहीं पीते हो तुम लोग, मुंह तो देखो सड़े हुए बैंगन की तरह। सदा तेरा दादा कभी इतना दारू पीता था क्या? नशेबाज का परिवार तुम लोगों का यार। अरे जरा ध्यान से भाई। क्या बापू? क्या हुआ, चढ़ गई क्या? अब जान में जान आई। तो पूछ सकते हैं? लो हो गया शुरू तेरा। बापू। हाँ। तू कब मरेगा बापू? क्या बेटा तू? बापू बोल ना कब मरेगा। अरे बोल बेटा, अपने बाप से ये सवाल पूछे ऐसा अच्छा लगता है क्या? अरे वाह, नहीं पूछूंगा तो जल्दी मर जाएगा। मरूंगा तो? वही तो पूछ रहा हूँ, कब मरेगा? अरे अभी सबकी तारीफ बता सकता है कोई? जब तू मरेगा ना तब बहुत अच्छा लगेगा। तू मरेगा तो जैसे लिटाऊंगा, तेरे माथे पे चंदन लगाऊंगा, तेरे माथे के बीच में 1 रुपए का सिक्का रखूंगा और जनाजे पे तुझे ऐसे लिटा के डान डनाने नाचूंगा। बहुत मजा आएगा बापू, बहुत मजा आएगा सच में। क्या बात है बापू, दूसरे के जनाजे में नाच नाच के ना मैं बोर हो गया हूँ बापू, सच बोल रहा हूँ। अरे बेटा, जब नशा उतारना ही है तो दारू क्यों पिलाता है मुझे? बोल ना कब मरेगा बापू। अरे छोड़ना उधारी की दारू, मैं पी लूंगा। अरे छोड़ना, जाने दे बापू। जा जा जा, जब तक नहीं मरेगा पूछूंगा तुझसे। क्या है, तू मरने वाला है क्या? नहीं चले, धंधा सिखाने वाला गुरु मैं हूँ, मेरे मरने पर करोगे क्या? ए, तू मरने के बाद तेरे पैर को पकड़ कर जमीन पर घसीटते हुए कब्रिस्तान ले जाएंगे। बिल्कुल टल्ले होकर कैसे बड़बड़ा रहे हैं? क्या गुरु, घर पर छोड़ दे। एक ही बोतल में टल्ली हो गया क्या? शरीर तेरा बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटी कम हो रही तेरी। अरे मेरे घर पर चेला, इस गुरु को धोखा नहीं देगा। धोखा नहीं दूंगा, तेरे मरने पर भी नाचूंगा। अरे मेरी बेटी से तुझे शादी करनी होगी। चुप करना, नशे में रिश्ते की बात करता है। ए गुरु है, ससुर बनने की कोशिश मत कर। मेरी बेटी के साथ तू ही शादी करेगा। देख गुरु, वो तेरी लड़की है इसलिए हम लोग, वरना 1-2 पैक ज्यादा हो गया तो पता नहीं अपना भी भरोसा नहीं मुझे तो। अरे ये मेरी बेटी जैसी कॉल खड़ी है। अरे जा रहा गुरु, जा चल। अरे ये कौन खड़ी है, मेरी बेटी जैसी दिखती है। के लिए मेरे घर में खाना नहीं है। अरे अरे सुन, तांत्रा सुनो बेटी, सदा के लिए भी खाना लगाओ। इसे एक भिखारी को खाना खिलाऊंगी लेकिन इसे नहीं। हाँ ठीक है, जिंदगी भर ऐसे नाटी बन के दरवाजे पे खड़ी रहना। तुम आओ पापा, मवालियों को घर तक ले आओगे तो ऐसे ही होगा। चलो चलो ना, मवाली हो ना तो बड़ी हीरोइन है, भिखारी कहीं की। Thank you.
बॉस की क्या करना है बोलो। डेप्यूटी कमिश्नर सर, आप अच्छे पुलिस वाले हो, आपने बुलाया तो मैं चला आया, अब आप जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा। आर्या तुम बोलो अब। हाँ बोलो भाई, सुन रहा हूँ। तुम दोनों के झगड़ों में मेरी बदनामी होती है पता है, डिपार्टमेंट को मिलने वाली रिश्वत कम हो रही है इसलिए ऊपर के ऑफिसर्स मुझे टॉर्चर कर रहे हैं यार। जाओ और काम करो, हमें जो देना है वो दो, और उसके अलावा क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हो भाई। सर हम लोग अपना धंधा पर बात कर रहे हैं, यही लोग अपना एरिया छोड़कर परेशान करते हैं। ए, वकील कौन अपना एरिया छोड़कर आता है, हम लोग या तुम लोग? सर 4 दिन पहले ये लोग अपने एरिया से हमारे एरिया में आए थे, मैंने धुलाई कर दी, अब देखिए कैसे शरीफों की तरह बोल रहा। सर ये झूठ बोल रहा है सर, ये आदमी चुप रहता है लेकिन कभी चुप नहीं बैठता। ज्यादा मुंह चलाएगा तो तेरी जुबान। तुम लोगों का झगड़ा खत्म करने के लिए आया था मैं यहाँ पर, और यहाँ भी तुम लोग यही कर रहे हो। हाँ बोलो बोलो। दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हो, अगर पुलिस को पसंद है तो वो दोस्त, वरना एनकाउंटर हो जाएगा। आप परेशान मत होइए सर, बोलिए। बस की मेरी बात सुनो, सोनीवड़ा पोईसर पारेख नगर सोनम नगर चारकोप और हार्बर, ये हिस्सा तुम अपने कंट्रोल में रख लो ना। ओके सर। आर्या हाँ मेरी बात सुन। हाँ हाँ और ज़रा ध्यान से सुनिए, टाउन एरिया मालवाणी कुरार पुष्पा पार्क और ये हिस्सा तू रख लेना, क्या बोलता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। डीसी सर अपने लड़के उनके एरिया में ना जाए वो मैं देख लूँगा। तुम क्या कहते हो आर्या? वो जैसा बोल रहा है वैसा करेगा तो मैं भी चुप रहूंगा। चलो बढ़िया है, लाओ हाथ दो, हाथ दो। अरे लाओ ना हाथ दो, हाथ मिलाओ। आर्या क्या है, इधर आओ। क्या 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 हुआ आर्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, कमाई का एरिया हार्बर ही है, वो कह रहा था तुम क्यों गर्दन हिला रहे हो? अच्छी तरह सोच लो, फिर बाद में मुझसे मत बोलना। क्या सोच रहे हो, बोलो ना, हार्बर हमें चाहिए। मुझे ये डील नहीं जमेगी। क्या कह रहे हो, अभी तो हाँ की थी और अब ना कर रहे हो तुम लोग? तब हाँ बोला था, अब नहीं जमेगा बोल रहा हूँ, हार्बर दोगे तो डील जमेगी। डीसी सर हार्बर हम नहीं दे सकते। सुन लिया ना, जैसा सदा बोलेगा हम हार्बर नहीं दे सकते। ए, तू कौन है देने वाला, मैं खुद ही ले रहा हूँ। हाँ हम लोग प्लेट में रख कर देंगे, तुम लेकर जाओगे। आर्या ये क्या फिजूल की बात कर रहा है? रुको डीसी भाई, धमकी दे रहे हो क्या? पुलिस को पसंद है तो दोस्त, वरना एनकाउंटर। भाई इस कब्रिस्तान ने बहुत डेड बॉडीज देखी हैं, बहुत जल्दी ये दोनों भी उसकी लिस्ट में आने वाले हैं, समझे? जब ये मरेगा तो इसे फ्रिज में रखेंगे। इसको कहाँ रखना है बाद में देख लेंगे। डीसी भाई आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आज के बाद से, कभी एरिया तुम्हें बता नहीं पड़ेगा, नहीं रहेंगे। कोर्ट आएगा ना, कोर्ट टालूंगा वहीं पे आऊंगा तो ना। डीसी सर उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, अब आप बोलो क्या करना है। बस की मैं जो बोलता हूँ तुम बस वो करो, बाकी मैं देख लूंगा ना। ठीक है पता मुझे है तो कुछ भी नहीं। सुनो हाँ, इंस्पेक्टर की पत्नी जीप में है, अच्छा सामान देना वरना गंदी गालियां देंगी। क्या यार तुझे भी ना, अच्छा खासा काम चल रहा था। ये जंगली कहाँ से आ गए, अभी अंदर नहीं छोड़ रही है। तुझे पता है अबे कैसी बाइक है यार? रुक 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 रुक, कहाँ चलता? नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। हवलदार एक सीट खाली है तो बिठा दो ना यार, भाई की इच्छा हो रही है। तू थोड़ा चुप रहेगा क्या? लेबर सारे नए लग रहे हैं, किस कंपनी के लेबर हैं? अरे मेरे बाप, ये इंस्पेक्टर की फैमिली है। अबे देवा इसकी बात तो सुन, सच बोल रहा ना? सुन तो इंस्पेक्टर की पत्नी है वो। मेरा झुकाव देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। अरे मेरा विश्वास करो, वो तो हमेशा लेबर के साथ जाता है, आज ओनर के साथ कैसे? अरे मेरे बाप, तेरी कसम मेरी कसम, मैं जहाँ काम करता हूँ उस पुलिस स्टेशन की कसम। जल्दी करना, देर हो रही है हम लोगों को, चल जल्दी कर। सुना ना, ए हवलदार बोल रही है, आप समझाना। देख भाई उनके पति को पता चल गया तो मेरी वाट लग जाएगी यार, तो अभी जा 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 जा। अगर अपनी गाड़ी में आती तो हम क्यों बोलते? ए रुक, उधर कहाँ जा रहा है? रुक रुक, अपनी गाड़ी पे जा रहा है। अरे अरे सुन मेरी बात सुन, अरे जा इधर से जा। हवलदार आज बहुत थकान हो रही है यार, चलो मारेंगे तो सही रहेगा। 100 रुपए दो ना, सारे पैसों से सब्दी खरीद लिया मैंने। लखन अपनों से मांगता है, चलना क्या बकवास कर रहे हो? जा यहां से, मैं तो जा यहां से, जा इधर, देखना मत, जा। ए चल जान दे, जान दे, ए जा 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 जा, तू जा, देखना मत, देखना मत, जा। क्या दिख रहा है बे? हाँ? तेरे लिए ऐसी पहन कर आती है क्या? धारा भी चलेगी क्या? ए ऑटो तो निकल गई यार, छोड़ ना वरना हम खो जाएंगे यार। हा? अरे रुकना रुकना, अरे क्या ए, करता है यार, तेरे साथ तो आना ही नहीं चाहिए। ए सदा, अरे सदा रुक तो यार, कहाँ जा रहे तू? अरे आर्या का एरिया है यार। ए सदा, अरे सदा एक मिनट रुकना,
ए सदा, बोला ना आर्या का एरिया। क्या एरिया? आर्या का एरिया ये। है ये। आज अपन हथियार भी नहीं लेकर आए हैं यार। होय तेरी तो, तेरे पास भी हथियार नहीं है। अबे तू क्या डरा रहा है? चल 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 निकल चल चल चल। अरे चल। डर पर क्या है? अबे बात छोड़ समझा छोड़ सदा सदा चल 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 सदा। अरे देवा छोड़ देख तू मुझे जानता है ना। छोड़ छोड़ सदा छोड़। देखे भी ना जा रही हो क्या है? क्या ये देख, जैसे तुझे पता ही नहीं है। रुक 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 रुक, मारने आया क्या? मार देना, लेकिन मारने से पहले वो 5 मिनट है। मजाक कर रहा है क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, सच में। फिर से मजाक उड़ा रहा है, काटो इसे। जरा साइड में हटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ए ए बंदर, ए हथियार पकड़ने नहीं आता और चला है मारने तेरी तो। तुझे मारने वाला मैं हूँ, उसके सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है? काटने का फैसला कर लिया तो काट ही देना चाहिए। आजा 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 आजा, काट दे। ओए तू फंसेगा ये तो मुझे पता था, लेकिन ऐसे अकेले आकर फंसेगा ये नहीं सोचा था। मेरे एरिए में आकर मुझसे ही पंगा ले रहा है तू। ए आर्या, तू बहुत परेशान करता है इसे, एक दिन ये तुझे नदी में काट के फेंक देगा। अच्छा ये जिंदा रहेगा तो काट कर फेंकेगा ना। ए, 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 छोड़ मुझे। सुनो मेरी, उसके लोग ज्यादा हैं, अभी हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, समझे? ए चल चल चल, बैठ बैठ बैठ, चल चल। अरे जा, क्या हुआ? बैठ जा। एक मिनट बस के, एक मिनट। ए ए, अरे कहाँ जा रहा है अभी ये? हाँ स्वामी के दर्शन के टिकट लेने जा रहा है ना, क्या पूछ रहे हो? ए कहीं भी छुप जा, तेरे मोगरी की खुशबू से ढूंढ लूंगा। आजा आजा आजा, सब खत्म हो गया, रास्ता क्लियर है। आजा आजा आजा, चल। इतना सब होने के बाद भी इसकी जरूरत है क्या? इतना सब कुछ इसी की वजह से हुआ भाई, एक दिन लड़की की वजह से मौत हो जाएगी। सर एक मिनट, आपसे बात करनी थी। हाँ बोलिए। आपको मंदिर की तरफ देखकर मैं समझ गई थी कि ये एरिया आपके लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, यहाँ बच्चों से लेके बड़ों तक सब सदा जैसे मिलेंगे आपको, आपके लिए ये एरिया ठीक नहीं है सर। आप इस घर को खाली करके कहीं और चले जाइए। आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि यहाँ से चले जाओ, सिर्फ यही कम किराया है, कम डिपॉजिट है, मेरे घर के हालात में यही ठीक है, मेरे भरोसे ही मेरा परिवार है। मुझे जो ठीक लगा मैंने आपसे कहा, बाकी आपकी मर्जी। बताने के लिए धन्यवाद, मैं चलता हूँ। सदा ये क्या कर रहे हो? सदा ए, नीचे बैठ, नीचे बैठ। क्या ये सब है? अचानक मर गई सदा? मर गई तो कितने बज रहे? रात को 1 बजे रोएगा तो नींद नहीं खराब होगी? है ए, क्या रे, तेरी पत्नी मर गई तो रो के सबको दिखाएगा क्या? एरिया में किसी को सोने नहीं देगा? गाय भैंस मरती है तो बैठ के रोता है क्या? छी, पागल कैसा इंसान है तू? ए, तू यहाँ की नेता है क्या? मरने वाले को 1000 रुपया दिए ऐसा लगता है, इसलिए रो रही है। छोड़ के चली गई है, छोड़ के चली गई है। ए, मजाक उड़ा रहा है क्या मेरा? ए, सोने जा रहा हूँ मैं, याद रखना किसी की आवाज नहीं पहुँचनी चाहिए मेरे तक। ए, तुझे ज्यादा दुख हो रहा है तो अपनी पत्नी की साड़ी मुंह में ठूंस के रो, अगर किसी की आवाज आई ना तो इसके साथ सबको जला के रख दूंगा यहीं पे। Ha ha ha!
देख कर नहीं चल सकता क्या? ठीक है जा, मुझे मत बोल, तू निकल जाना। अरे जाना कह रहा हूँ। तेरी तो बोला ना, जा 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 रहा जा जा। सुंदर हीरोइनों के कैलेंडर है, घर की दीवारों पर टांग दो। करीना कपूर से लेकर हाँ, ऐश्वर्या कैटरीना उसका सबका फोटो सर कैलेंडर लेकर जाना। अरे जाना यहां से, देखो ना। भैया तुम टाइम पर खाना खाया करो। वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस माँ और बहनों का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भैया। पापा आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखना। वो सब तो ठीक है बेटा, आते ही पूछना चाहता था कि ये सब जगह देखने में थोड़ी अजीब लग रही है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? बस जगह ऐसी है पापा, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ए सदा, आधा देना खाने भी मत दे और रात को सोने भी मत दे। मैं नाश्ता किए बिना सीधा जाकर सोने वाला हूँ। मुझे तो लगता है मैं अपने गाँव में ही हूँ। तुम कहते हो तो ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। अबे गधे, पांव कहीं फंसना चाहे, चुप रहा। अबे वही लड़की है, अबे वही तो है जिसे मैंने कल देखा था। अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ बेटा। अरे कौन यार, अबे देख ना उसे क्या फिगर है, क्या सुंदर है, देख ना। अबे छी, वो श्रवण की बहन है यार। श्रवण की बहन? हाँ सच में? अरे हाँ यार। ओ तेरी तो, अबे लड़की कौन है कहाँ की है यही सोच करके मैं टेंशन में था कि कैसे पटाऊंगा। ये तो अपनी गली की निकली, देखता हूँ कैसे सदा के हाथ से बचती है ये। तेरी ता... अबे सदा, अरे अरे कहाँ जा रहा है तू? अबे चुप ना यार, खड़ा रह यहाँ पे। अबे तू भी ना, चल चल। अबे आईपीएल के प्लेयर की तरह बॉल पकड़ने जा रहा है। अबे वो शरीफ लगती है, आंखें नोच लेगी तेरी। संभल कर ठीक है भैया। अबे अरे चली जाएगी वो, चली गई यार। चलती हूँ। ठीक है भाई। इट्स गॉन गॉन। अबे वो चली गई, अब क्या करेगा? ए सदा, कल रात को मैं और करीना दोनों मिलकर बातें कर रहे थे। बात चल मत कर, कल जो काम है उसका क्या हुआ? उस काम में तो बराबर रहता है। उस लड़की की शादी फिक्स की हुई है। हाँ? वो भी अटकी हुई है, वो लोग 1 लाख देंगे तो ही हो पाएगी। ये बात तुझे कैसे पता चली बे? उसके बाप ने श्रवण को चिट्ठी लिखी थी, उसे मैंने लपक लिया। ओए देखना सदा, तेरे लिए मैं क्या क्या करना हूँ, ये सब भूलना मत यार। इतिहास हमारी दोस्ती के बारे में बातें करेगा। इतनी सी बात के लिए इतना बोल रहा है तू? हाँ हाँ, जैसे वो लड़की हूर की परी हो, उस लड़की के पास ऐसा क्या है बे जो इतना पीछे पड़ा है उसके? तेरे जैसे लफंगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा चल वो सब छोड़, एक काम करना, अगर टेंशन हुआ ना तो मदद के लिए ना अपने अली भाई की बिरयानी मिल जाएगी, वहाँ पर चलते हैं। ए इधर क्या हुआ, कान काटेगा क्या? इधर आना। हाँ भाइयों, अपन का दोस्त खोपड़ी गरम करके घास में डालने की बात कर रहा है। अबे चल आज तेरे लिए इतना मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा ये सब पंगे में, नहीं पड़ूंगा। नहीं आऊंगा मैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या यार तू ऐसा करता है हर बार, इसके लिए मुझे क्यों बुलाता है, किसी और को साथ लेकर जाना। हाँ वो जैकी है ना? अरे इस तरह के मामलों में वो बहुत होशियार है, सदा बोलता हूँ। हाँ या वो फट्टू है, खेल बिगाड़ देगा। मुझे क्यों बुलाता है तू यार? ये देख सदा, मैं हमेशा एक जैसा ही नहीं रहता, मेरे बारे में तू नहीं जानता है, मैं कभी भी बदल सकता हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तो ये कंटेनर कैसा रहेगा? काइगो तुझे पिचका कर चाइना भेजने के लिए। भगवान, अरे सदा यार ऐसा क्यों करता है तू? तू कुछ भी कर सकता है, तू तो लड़की के लिए मर्डर भी कर सकता है। मेरी दादी ने मेरा नाम देवा रखा था, लेकिन यहाँ हर कोई मेरी बजा ही देता है, तुझे नहीं बोल। मुझे छोड़कर अकेले भी जा है। मैं भी चलता हूँ ना सदा, कितनी बार बोल रहा हूँ ना मैं। सदा मेरी बात मान ले सदा, मैं भी चलता हूँ। मुझे बोला ना एक बार, मुझे छोड़ के जा रहे हो ना? जाओ जाओ, तुम जिस काम से जा रहे हो नहीं होगा, काम नहीं बनेगा तुम्हारा। हम चलते हैं सदा, चल चल चल, देर हो रही है। गाड़ी चला, ऑटो से चलते हैं ना यार। ढक्कन, जब तक मैं वापस आऊंगा मेरा बाप इसे बेच कर पी जाएगा, चल। श्राप देता है। किसी का घर तबाह करने जा रहे हैं लग रहा है, पर किसको तबाह करेंगे ये नहीं पता। जाओ जाओ, अंत में लौट के यहीं आओगे, फिर बताऊंगा तुझे। चलो चलो, कोल्हापुर आ गया, उतरो उतरो, जल्दी उतरो ना, ये शहर के लोग एकदम आराम से उतरते हैं। अरे जल्दी उतरो बाबा। हाँ। चलो चलो राइट। ए, ए, अगली बस को एसी करके लाना। हाँ तुम दोनों के लिए मैं अलग से एक्स्ट्रा बस लाऊंगा। ए सदा, क्या हवा है यार, फिल्म में देखा गांव सच में उतना ही अच्छा लगता है। वो दूर पहाड़ियाँ, उसके नीचे जंगल, वाह हरे लहराते खेत,
पकौड़े खाने वाली मिर्चियाँ, वहाँ भैंस चराने वाली लड़कियाँ, रस्से में सूखने वाले पेटीकोट, तरना, ये सब तो ठीक है, हम जिस काम को सोच कर आए वो सोच कर ही टोइंग। हाँ चुपचाप चल। अबे यार कब से पद यात्रा ही कर रहे हैं, जाना कहाँ पर है वो तो बता, तू भी ना यार। ए, वहाँ पे लोगों की भीड़ है, वहाँ चल के पूछते हैं। 7 किलोमीटर साइकिल से आता है, ऊपर थोड़ा बच गया है, देखो अच्छी तरह से करो। ओए प्रवीण जरा अच्छी तरह से पकड़ना। पूरे 4 फुट का भी नहीं है लेकिन काम कितना बड़ा किया है देखो सर। क्या सदा बाल मुंडवाने के लिए बच्चों की तरह रो रहा है ये? क्या सर सब मिलकर टकला करवा रहे हो, कोई मन्नत रखी है क्या? गांव में नए हो क्या? और ये क्या बोल रहे, इसे कैसे पता हम नए हैं? क्या हुआ पूछना उससे। क्या हुआ सर? हमारे गाँव की लड़की को आँख मारी इसने, इसलिए सारे गाँव वाले मिलकर इसको टकला कर रहे हैं। सर ने क्या किया? बोला ना आँख मारी थी। चल यार चल चल चल। मिस्टर पहाड़ी पहलवान ये ईस्ट किस तरफ है? ईस्ट मतलब जहाँ से सूरज उगता है। अच्छा पश्चिम ना। हाँ। वो देखो उधर है। अच्छा आइए सर आइए। हाँ यू टर्न मारो और ये 1.5 फुट ये रख लिया ऐसे। हाँ ओ मेरे देवता मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। चलो उठना। अरे उन्होंने आग मारने पर ही टकला कर दिया, तू जो करने वाला है उस पर ना जाने क्या क्या करने वाले हैं यार। उठना अबे उठना यार, मुझे माफ कर दे। अरे सदा यार क्यों रे? वापस लौट जाते सदा। अरे सदा यार, अरे देख देख अपना घर आ गया यार। चल चल बैग उठा। बैग तेरा बाप उठाएगा क्या? बैग उठाने के लिए मेरे बाप को भी आना है क्या साथ में? चल उठा लिया चल चल। सुनो आपको किससे मिलना है? श्रवण का घर यही है क्या? हाँ जी, आप कौन? हाँ मुंबई के पास से आए। बाबा अरे यार ये तो पूरी बात सुने बिना ही भाग गई। क्या हुआ बेटा? मुंबई से कोई मिलने आया है। कहाँ से आए? आइए आइए। नमस्ते, हम श्रवण के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा आइए आइए ना, यहाँ बैठिए बेटा, जरा लस्सी लेके आओ। हाँ बैठो बेटा। बेटा श्रवण तो अच्छा है ना? हाँ वो ठीक है, एकदम राजा जैसा रह रहा है। इतनी दूर आए हो तो क्या काम है? वो ये लीजिए, लो लस्सी पियो। अंकल हॉर्लिक्स नहीं है क्या? अच्छा है। अबे तू क्या पूजा का इनविटेशन देने आया है क्या? लस्सी पी रहा है, अगर इन्हें बात पता चली ना तो लस्सी नहीं जहर दे देंगे। राखी कौन है ये लोग? भैया के दोस्त हैं। ये चिट्ठी तो मैंने श्रवण को लिखी थी। ये श्रवण का लिखा हुआ पत्र है, गलत मत समझिएगा, इसमें जो लिखा है हम सभी जानते हैं। आपकी बेटी की शादी तय हुई है और जिससे तय हुई है उसे सरकारी नौकरी मिल गई है, इसलिए जितने में बात हुई थी उससे 1 लाख रुपए ज़्यादा मांग रहे हैं वो लोग, और आपने 1 लाख के लिए श्रवण को चिट्ठी लिखी थी। अब श्रवण जो काम कर रहा है वो 1 लाख रुपए कैसे दे पाएगा है? आप परेशान मत होइए, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो बहुत है मेरे पास। श्रवण मेरा दोस्त है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ए इधर ला। ये लीजिए रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा। अरे क्या सोच रहे हैं आप, पहले भी उसकी शादी 2 बार टूट चुकी है, अगर इस बार टूट गई तो गांव में क्या इज्जत रहेगी, यही सब लिखा था आपने ना? सिर्फ 1 लाख रुपयों के लिए आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने देंगे? आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता है, एक अनजान आदमी से पैसे कैसे लूं यही सोच रहे हैं, मुझ पे शक कर रहे हैं आप ना, है ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, श्रवण ने बोला कि देखने में जगह ऐसी है लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मुझे आप लोगों पर कोई शक नहीं है बेटा। ठीक है शक नहीं कर रहे हैं तो फिर मना क्यों कर रहे हैं, पैसे लीजिए आप शादी कराइए, कितना सारा काम पड़ा हुआ है। क्या हुआ आप अपने पति को बोलिए ना। सुनिए जी ले लीजिए। लीजिए ये बात श्रवण को पता है ना? नहीं पता और पता भी ना चले, शादी के बाद बता दीजिएगा, उसे पता चलेगा तो चौंक जाएगा और जब वो चौंकेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब ज्यादा सोचिए मत, पैसे लीजिए, तैयारी शुरू कीजिए शादी की तैयारी।
बहुत धन्यवाद बेटा। चल भाई अपना काम तो हो गया, चल निकलते हैं अभी यहाँ से। अभी तो आए और अभी जाने की बोल रहे हो, ऐसा क्यों? अब आपको क्या बताऊं मैं सिर्फ पैसे देकर के वापस आ जाऊंगा कहा था, लेकिन इसे गांव देखना था, इस चक्कर में ये मेरे साथ जिद करके चला आया। कौन मैं? क्यों बोला नहीं था क्या कि मैंने आज तक कोई गांव नहीं देखा है, वहां जाऊंगा, कुछ दिन रहूंगा, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, ऐसा बोला था इसने मुझे, और अब देखिए चलते चलने का नाटक कर रहा है। ये भी मैंने बोला? ए, बोला नहीं था तुमने? झूठ क्यों बोल रहा है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन यहीं रुक करके जाओ ना। बेटी चंद्रा जी बाबा, इन लोगों के रहने का इंतजाम कर दो जरा। ठीक है बाबा। साथ में थोड़ा दूध फल हलवा भी लेकर आ जाना, जिस काम से आए हैं आज ही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ए सदा तू मार मत, अरे मार मत सदा, अरे लग रहा है, अरे चिल्ला मत, तेरा दोस्त तेरे लिए यहां तक आया है, सदा चुप। ओए ढक्कन, एक रुपया दो रुपया नहीं, पूरे एक लाख देकर पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू बीच में भांजी मत। सदा सदा सदा, अरे तू मुझे ऐसे नाले में भिड़ा कर क्यों मार रहा है यार? उन्होंने तो बोल दिया है ना कि थोड़े दिन रह कर ही जाओ, तो अब तू यमराज की तरह घूर कर खड़ा है। इतनी देर से बैठी हूँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ आ गया। ए इधर आ। अरे श्रवण, और रात को भाजी लेकर आया था वो पागल गधा, यहीं रख कर चला गया है, उसे उठाकर थोड़ा अंदर रख दो ना बेटा, उसे उठाकर अंदर रख दे। अरे क्या घूर के देख रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है इसीलिए तुझसे कह रही हूँ, चल उठाकर अंदर रख दे, जा कह रही हूँ ना। स्टाइल तो देख इसका, पहनावा तो देखो, पैंट शर्ट जैसा कोई बड़ा लाट साप हो गया है। सर कहाँ है उसका पूछ। सदा है क्या? क्यों? कारण बताऊंगा तो ही बोलेगी क्या? अरे नहीं बताना है तो छोड़। ए बुढ़िया मजाक करती है क्या? कल रात को आर्या के आदमियों को बास्की के लड़कों ने मारा है, इसमें सदा तो का भी हाथ है। बात ले लो। एरिया से सारे लड़के गायब हैं, सदा और उसके लड़के कहाँ है बोल? खुद से ढूंढा जाता नहीं, मुझसे आकर पूछ रहा है, जा पता लगा ना तू खुद। ए अभी बताऊंगे तुझे। सर सर आगे मत जाइएगा, ये औरत पान खाकर मुंह पे थूक देती है सर। सदा ठीक है, ये बुढ़िया उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चुप करो, तुम लोग अंदर जाकर ढूंढो। यस सर। तुम पीछे की तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ, एक भी घर मत छोड़ना। क्यों, ये बुढ़िया पहले भी थूक चुकी है क्या? सर अंदर एक आदमी खंजर लेकर खड़ा है। खंजर लेकर खड़ा है? ए, उठाओ साले को। शरीर में ऐसा दर्द हो रहा है कि एक क्वार्टर पीने के बाद ही ठीक होगा, लेकिन तू तो मानता ही नहीं है यार। अरे बाप रे, वाले लड़के को देखते हुए लगता है कि वो लोग अच्छे घर से हैं। वो लड़का यहाँ से जब तक नहीं जाता तब तक उनको यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी? तुम ठीक कह रही, आज के जमाने में जहाँ कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, वहाँ उन अनजान लड़कों ने अपने शहर से यहाँ आकर हमारी मदद की है। अगर वो लड़का नहीं आता तो हमारी बेटी की शादी रुक गई होती, अगर ये शादी रुक गई होती ना तो हमारी इज्जत चली गई होती। भले मैं पैसे जमा नहीं कर पाया लेकिन मैंने इज्जत बहुत कमाई है, इसलिए वो लड़का मेरी नज़र में सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि भगवान है। क्यों बे, तुझे जाकर भगवान बता रहा है वो गधा? तेरे मन में क्या है वो उसको पता नहीं होगा, तू तो पूरे परिवार को ही खा जाएगा। हे भगवान। चंद्रा माँ, भैया के लिए चाय नहीं बनाई? माँ जल्दी बनाओ, भैया को नहाना भी है, गर्म पानी रख दो जल्दी, ये अब तक सो रही है। उमा उठो, भैया के लिए चाय बनाकर नाश्ते की तैयारी करो। सोने दो ना माँ, बहुत नींद है। अरे सदा, अरे सदा, अरे सदा यार, श्रवण आ गया लगता है। ए क्या बकवास कर रहा है यार, सुबह से घर में हलचल मची हुई है, आएगा नहीं सोच कर बैठे थे लेकिन तूने तो यहाँ लगकर फंसा ही डाला मुझे। अरे यार भाग रहा हूँ मैं। अबे क्या कर रहा है? ए भैया के लिए गर्म पानी रखा? नहीं माँ, मैं सुबह से कह रही हूँ ना, जाओ जाकर जल्दी रख दो। ठीक है चिल्लाओ मत माँ, अभी रखती हूँ। ऐसे आकर क्यों खड़ी हो? मैं सुबह से कह रही हूँ ना, जाओ जाकर जल्दी रख दो।
लीजिए, चाय पीजिए। क्यों चंद्रा, श्रवण आ गया क्या? नहीं तो? ए, तो फिर किसके लिए सुबह से भैया के लिए गर्म पानी रखो, भैया के लिए चाय बना दो, भैया के लिए नाश्ता बना दो, किसके लिए? सब इनके लिए है। चाय ठंडी हो जाएगी, जल्दी पी लीजिए। ये सब कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, 1,00,000 तो अब गए, अब समझ लो सदा। अरे सदा, तुझे ना बहन ने भैया कह दिया है, भैया बोल दिया, समझा? हाथ हटा, ऐसे बात करके मेरा इरादा बदलना चाहता है क्या? जरा सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहा है तू? ए, ये सब मेरे लिए बेकार की बात है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, 1,00,000 रुपए दिए है मैंने, ए चुप नहीं बैठूंगा। अच्छा, मतलब तू चुप नहीं बैठेगा? और ना ये गांव वाले मुझे जीने देंगे, कामदेव के साथ दोस्ती करके फंस गया यार। ए, ए, मुंह पे बोल के जाना। हाँ, तू बहुत शरीफ है ये कह रहा था मैं। अरे सुनो। यस सर। आज का कलेक्शन बस इतना ही है? इतना ही है सर। या इसमें से आधा रख तो नहीं लिया ना? जिस दिन फंसोगे उस दिन बताऊंगा। आज इस तरफ कैसे? इसे क्यों पकड़ा है? कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। बस की सिर्फ इसे ही नहीं, तुम्हें और सदा दोनों को एक दिन यहाँ लेकर आकर ऐसे ही नहीं बिठाया ना। तू और हमें, अब हमें बात मत कर, पहले उसे छोड़। काशी के केस में ये भी एक है, नहीं छोड़ सकता। ध्यान से सुन और मुझसे कोई चालाकी मत कर। तुझे और तेरे साले आर्य दोनों को बोल रहा हूँ मैं, उसे छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता? नहीं छोड़ सकता। हेलो। हाँ भाई, अपना ही लड़का है, इंस्पेक्टर का नाम है, हाँ मुन्ना सिंह। ये लो बात करो। कौन है फोन पे? बात करो, पता चल, पता चलेगा। इसमें क्या टीवी चल रहा है क्या? ये लो। हेलो। नमस्ते सर। ओके सर, ओके सर। ए रुक, ए रुक, कहा ना, कहा ना, रुक जा। ऐसे ही छोड़ देते तो तुझे मर्डर केस में अंदर डाल देता। भाई ने तुझे बाहर निकाला और तू? आओ गाड़ी में बैठो। क्यों? गाड़ी में बैठो, फिर बताता हूँ। मैं नहीं बैठूंगा। ठीक है। जाओ। सर प्लीज सर, मेरे सहारे मेरा परिवार है, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, सर प्लीज सर मुझ पे। नो नो, इस कंपनी की रेपुटेशन है, तुम जैसे आदमी को मैं नौकरी पर नहीं रख सकता। सपोज कल तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पुलिस वाले आ गए तो मेरी कंपनी का नाम तो खराब हो जाएगा ना। तुम जाओ यहाँ से। सर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर, मेरा परिवार बिखर जाएगा सर, ऐसे सर प्लीज सर। इसमें तुम्हारे बाकी के सैलरी के पैसे हैं, लेकर जाओ। वॉचमैन। सर सर सर, अगर वॉचमैन आया तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगा, तुम खुद ही चले जाओ। देख रहा है, चल। क्यों मुझे बार बार बुला रहे हो? अभी बताता हूं। नहीं आऊंगा। नहीं आएगा। देखा क्या तेजी थी, क्या दौड़े थे तुम,
पुलिस की मार खाने लायक हिम्मत है तेरे शरीर में, तेज भागने के लिए पैरों में ताकत है। एक बार तलवार हाथ में तो लेकर देख, जिंदगी पलट जाएगी तेरी। क्यों तू ये 1000-5000 की नौकरी के लिए इधर उधर हाथ फैलाता हुआ जा रहा है? आजा मेरे साथ चल। ध्यान से सुन, ये कलम तुझे नहीं बचा पाएगी। सच कह रहा हूँ मैं, ये कलम तुझे नहीं बचा पाएगी। ये भी बीए में है, पेन पर भरोसा नहीं किया, मेरी बात पर भरोसा किया और आज अच्छी जगह पर है, तू भी मान जा। ये ले, ये ही तुझे बचाएगी। पैसे और पैसों के ऊपर चाकू रखा है, सोच ले, दोनों होते हैं तो जिंदगी बिताई जा सकती है। तेरे पास हिम्मत है, उसे वेस्ट मत कर, यूज करने की कोशिश कर। आज यहीं बैठकर इस बात को सोच, सोचने के बाद आना। आएगा ना? जरूर आना। भाई हमारे पास क्या लड़कों की कमी है, जो वो नहीं आना चाह रहा तो भी आप उसे बुला रहे हो? वो आएगा, जरूर आएगा। उसकी आंखों में गुस्सा और जरूरत दोनों मुझे नजर आएगी। आएगा। अरे कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? सो जा, सोया नहीं अभी तक, सो जा। काम करके भागेगा तू और मैं देखने वाला फंस जाऊं इसलिए क्या? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कैसा है, इसलिए अपने बैग के साथ तैयार बैठा हूँ। मैं कभी भी भाग सकता हूँ। हाँ तुझे तो मैं, अरे मजा यार, सो जा ना, सो जा, सो जा। हे भगवान, ये तो बैटिंग करने के लिए निकल गया, रामू की फिल्म की तरह अंधेरा हो रहा है, कहाँ भागू को समझ में नहीं आ रहा है। तेरी मैच का मुझे थर्ड अंपायर बना के रखा है तूने। भगवान, बिगाड़ दिया, अरे बिगाड़ दिया, अरे नहीं मैंने नहीं किया, अबे मुझे छोड़ दो। चुप, हंसवाएगा क्या? ए, क्या हुआ? 2020 मैच की तरह तुरंत खत्म कर दिया क्या? अबे कुछ नहीं हुआ बे, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। इसके पहले कि वो सब कुछ उतारती सारे बर्तन नीचे गिर गए यार, आवाज सुनकर कोई आना जाए इसलिए मैं भाग आया। तो रन आउट हो गया क्या? हमारे गांव का पानी आपको हजम नहीं हुआ तो माँ ने दूध के साथ दवा मिलाकर देने को कहा था, वो दिए बिना ही मैं भूलकर सो गई थी और जब अचानक याद आया तो उसे लेने गई तो हड़बड़ी में बर्तन नीचे गिर गए। उस शोर से आप लोग जाग गए ना, माफ कर दीजिए, ये दूध पीकर सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लीजिए। सदा बेचारी कितनी सीधी सादी लड़की है वो, जिस घर में दूध पीते हैं उस घर में दुश्मनी नहीं करते, ऐसा मेरी दादी ने कहा था। हाँ लेकिन लोग कुछ भी कहे, तू कहाँ सुनता है उनकी? ये सब कह के मेरा दिल बदलना चाहता है, नहीं बदलूंगा। क्योंकि तूने 1,00,000 रुपए दिए हुए, am I correct? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सदा ने जो ठान लिया वो करके रहता है। कैसे तू क्रांतिकारियों की तरह डायलॉग बोल लेता है यार, हे भगवान मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा है। चाहे दूध पिए या दुश्मनी करे, जो ठान ली वो काम पूरा जरूर करता है, ये बोला था, मुझे अकेला छोड़ दे। मुंबई में मिलते हैं। अरे यार कैसे गैप छोड़ के ना एक साथ ऐसे भागे आ रहे हो? ओए भागे, पकड़ लो। अरे काम खाली हो गया क्या? सब लोग मेरे पीछे पड़ गए। अरे भागो यहां से। अरे जाओ यार तुम लोग। सदा मेरा भरोसा करके गलती कर दी। अरे देवा आज तू सच में देव के पास जाने वाला है? अरे बाप रे फंस गया लगता हूं मैं। अरे अरे बचाओ कोई, हे भगवान, अरे पकड़ लिया सालों ने। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों गए? लड़कियों को आंख मारते ही टकला कर देने वाला गांव है हमारा, तुझे पता है ना? अरे इसलिए तो उसे दक्षिण दिशा में करके उसके पैरों पर भी गिरा था मैं, लेकिन वो माना ही नहीं। गांव वालों ने तुम्हें अच्छा इंसान समझा, लेकिन हमारे गांव की लड़कियों को गंदा करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने नहीं किया, उसी ने किया है। इसका चेहरा देखते ही भगवान नजर आता है, कहा था ना मैंने? तो क्या मैंने बोला था तुम खुद अपनी मर्जी से कहोगे? तो गौर से देखो भाइयों, मेरे चेहरे पे क्या दिख रहा है? डर दिख रहा है ना? दीदी सीरियल की हीरोइन लगती हो आप, तो कुछ बोलो ना। अरे इसकी बात सुनकर तुम लोग चुप क्यों खड़े हो? इतना मारो कि किसी गांव में इतनी मार न खाइयो। मारो 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 मार
क्या कर रहा है तू? ए सदा, तू अभी तक मुंबई नहीं गया क्या? मुंबई नहीं गया? क्या बकवास कर रहा है तू? ए, तेरी हरकतें यहाँ गांव वालों को पता चल गई और हम दोनों को खेत के बीच भगाते हुए आ रहे थे वो लोग, और तू बिना बड़े पत्थर पे खड़ा होकर, अरे अब हम मुंबई में मिलेंगे ऐसा कहकर तू कूद कर भाग गया और सारे गांव वालों ने मुझे बहुत मारा। बकवास बंद करना, सपना देखा है क्या? सो जा, उल्टी सीधी बात सोचेगा तो ऐसे सपने आएंगे। सपना था क्या? अरे हाँ यार, डर के मारे चादर भी गीली कर दी मैंने। अबे सो जाना, याद रखना अगर तू भागेगा ना तो मैं ही तुझे मार डालूंगा। गया तो तू मार डालेगा, नहीं गया तो ये लोग मार डालेंगे। कुल मिलाकर मरना तो पक्का ही है। अगर मेरी जाति में मर जाओ तो गाड़ देते हैं, लेकिन इस गांव के लोग मुझे मारने के बाद गाड़ देंगे या फिर जलाएंगे, या फिर हो सकता है कि लावारिश समझ के छोड़ देंगे। लगता है यही मेरी कहानी खत्म होगी। मुंह बंद करना। इतनी बदबू। क्यों बे, बास्की को तो नहीं जानता? और तो और, सदा के साथ मेरा कोई नाता नहीं है। मैं बेकसूर हूँ ये बताकर आधी रात में हथियार रखकर प्रैक्टिस कर रहा है क्या बे कमीने? आप गलत समझ रहे हैं, मैं गुंडा बदमाश नहीं हूँ सर। अरे हाँ, ये हाथ में चोट कैसी है? कहीं झगड़ा किया था सर? वो ना, किससे झगड़ा करके चोट की है ये? बोल, बोलना साले बोल। मैं चोर या बदमाश नहीं हूँ सर, मेरा भरोसा कीजिए। पैसे कहां से आए? कहां डाका डाला? कहां डाका डाला बोलना। सर आप जैसा समझ रहे हैं वैसा मैं नहीं हूं। तो फिर कैसा आदमी है तू? बोलना जल्दी, बोल सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूं सर, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। साले कमीने, लावारिस की तरह तुम लोग पैदा होकर सीधे मुंबई आ जाते हो और बाद में लफड़ा करके दिन रात परेशान करके हमारी जान खाते हो क्या? मेरी माँ के बारे में गलत मत बोलिए। तेरी माँ की बात करो तो तुझे गुस्सा आ गया? अच्छे घर से होता तो आधी रात को तू यहाँ क्यों आया है बे? बोल कमीने। साले, तूने मुझ पे हाथ उठाया? नहीं, पकड़ो इसको। वो भाग गया सर। कहाँ जाएगा वो? आएगा हाथ में एक दिन, आ जाएगा। Huh.
बाइक वाले ने मुंबई वाले भाई को टक्कर मार दी। इस दूध के साथ ये दवाई खा लीजिए। बेटा खाली पेट दवा मत खाना, दूध पीने के बाद ही दवा खा लेना। दूध दो बेटी। ये लीजिए। ले लो ना बेटा, पकड़िए ना। क्या राम स्वामी, मुंबई से आया बच्चा कितना शरीफ लड़का है, उसे किसी ने बाइक से टक्कर मार दी। अच्छा, बेचारे अच्छा, को बहुत चोट लगी है, पता नहीं किसने किया होगा। क्या हुआ इसे? बेचारे दो मुसीबत से बचकर आए हैं। ये खेतों में घूम रहे थे तो फिसलकर कुएं में गिर गए, अपनी चंद्रा ने उसे बचाया, फिर सड़क पर आते समय एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा इंसान है, इसीलिए कुछ नहीं हुआ इसे। जाने क्या हुआ होगा, ये सोचकर वह भागा भागा चला आया। अब इसे देखकर ही थोड़ा मन शांत हुआ है। अरे शरीर तो तप रहा है, कुछ दवा दी है? दूध के साथ दवा दे दी है, बस थोड़ी देर बाद खाना दे देंगे। क्या देख रहा है बेटा, तो जैसे इंसान को कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाओगे बेटा, तुम परेशान मत हो। ये यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? पता नहीं आगे कौन सा ड्रामा करने वाला है। ए सदा, ए, अबे तेरी आंखों में आंसू कैसे? तुझे हमेशा दूसरों को रुलाते हुए देखा है, तुझे रोता हुआ मैंने तो कभी नहीं देखा। हा? नया नाटक है क्या? ए, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू चल के कहाँ जा रहा है? अरे क्या हुआ? इस गांव में मैं क्यों आया ये बात सिर्फ तुम जानते हो या फिर मैं जानता हूँ। श्रवण के घर वालों से, गांव वालों से आखिर मेरा क्या नाता है? किसी भी तरह अपना काम निकालने के लिए अच्छाई का चादर ओढ़ कर मैं यहां घूमता रहा। ये सब जाने बिना इस गांव वालों ने मुझे इतनी इज्जत दी। अपने एरिया में जब मैं नशे में धुत होकर गिरता तो मरने वाला बुढ़ा भी मेरे मुंह पर लात मार कर कितना खुश हो जाता था, और यहां चोट खाकर नीचे गिरा तो देखा ना। तो रात को उस बारिश में भी सारे गांव के लोग घबरा करके मुझे देखने चले आए। श्रवण के पापा और उसकी माँ और बहने, कितना ख्याल रखा उन्होंने मेरा। ये सब मैंने आज तक नहीं देखा था। ऐसा भी होता है, मुझे पता नहीं था। हे भगवान, बहुत गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। ए सदा, चल हम वापस चलते हैं यार। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। ए, तू ही बोल रहा है कि ये सब गलत है, तो अभी क्या रुकना, चलना चलते हैं।
सिर्फ उसे ही मैं गलत नहीं कह रहा हूँ देवा, सब कुछ गलत था। जिस एरिया में हम पैदा हुए वहाँ हमारी कदर नहीं, जो हमारे साथ रहते थे उन्होंने भी हमें इंसान नहीं माना, अब जाके पता चल रहा है हमें। तू जाना चाहता है तो जा, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अगर मैं वहाँ पर मर भी गया तो मुझे कंधा देने वाले भी लोग नहीं मिलेंगे। छोटा गांव, सच्चे लोग, यहाँ सब मुझे शरीफ समझते हैं। मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुझे जाना है तो जा। ए, अब तू मुझे क्यों जाने को बोल रहा है? अच्छा, तो अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं है ना? ए सदा, तू चाहे कैसा भी रहे लेकिन मैं अंत तक तेरा दोस्त बनकर रहूंगा, सच में। चल चलते हैं। काम क्या करना है? मैंने कहा था ना कि वो आएगा, और वो आया। मैं जानता था। पुराने बस स्टैंड पर परेड रेलवे स्टेशन से सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक जब कोई नया उतरता है तो वो पीस टिकेगा या नहीं, मैं लोगों को पकड़ने का खिलाड़ी हूँ, वरना मैं ये धंधा नहीं कर सकता था। भैया, हम मेहंदी लेकर आए हैं। भैया, किसके लिए? हाथ दिखाओ ना, लगा लो ना भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बात माना करो भैया, बात माना करो ना भैया, लगा लो, अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, रहने दो। दीदी आप ही बोलिए ना, लगा लो ना। अरे आज तक नहीं लगाया मैंने। अगर अभी श्रवण भैया होते तो एक बार में ही लगवा लेते, पता है? हाथ दिखाओ ना। ठीक है। चंद्रा। आप आ गए। कैसे है भैया? ठीक तो है। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? इधर तो भैया। ठीक है भैया, थोड़ा पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ भैया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसे अपना मोहल्ला समझा है। मेरा परिवार है, मेरे लिए मंदिर की तरह है। तेरे कदम भी यहाँ नहीं पड़ने चाहिए। श्रवण, यह पहले की तरह नहीं रहा, सच में। अरे तू खुद आवारा है और तू इसकी तारीफ कर रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। कहा ना श्रवण, माँ और बहन को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमसे जब तुझे घर पे देखा था तो बता सकता था कि तू कौन है। पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि तू एक गुंडा है, आवारा है, और तू इतने दिनों तक इनके साथ रहा। अगर इन्हें पता चला तो ये सह नहीं पाएंगे। चले जाओ तुम दोनों यहां से। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि तू कौन है तो तुझे जूते मार मार कर खुद निकाल देंगे। तू खुद जाएगा या जूतों से मार खा के जाएगा। बेटा, थोड़े दिन यहाँ रहने के लिए कहा था तो हम सब खुश हुए। अब तुम अचानक जा रहे हो तो ठीक है, बस अच्छी तरह जाना बेटा। तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस आओगे? हाँ आएगा माँ। चलो सदा, मेरी शादी पर आना मत भूलिएगा। देवा, बस का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। सदा चलते हैं। चलना यार। भैया बाय। भैया बाय। भैया बाय। सदा और देव आ गए क्या? इसीलिए एरिया शांत हो गया है। ए, क्या घर को घूर रहा है तू यार? अरे सदा, देव, तुम लोग आ गए ना? ए, क्या देख रहे हो? मैं इधर पूछ रहा हूँ, तुम उधर देख रहे हो। शर्मन के घर का ताला तोड़कर मजा करना चाहते हो क्या? अब ये सब नहीं होगा। उसका रेंज ही अलग है। ए, क्या रेंज अलग है उसका? रेंज है भाई।
नमस्ते सदा। क्या सदा, बिना बोले ही चले गए थे तुम। क्या सदा, बिना बोले चले गए तुम। बासुकी भैया कितने परेशान थे पता है, बोला है साथ लेके आओ। सोच क्या रहे हो, आओ चले। हाथ दिखा। क्यों दिखाओ, बोला ना। ठीक है ये लो। सदा मर गया, ये उसकी चिता की राख है, मरा हुआ वापस नहीं आता। बासुकी को बता देना। अरे यार सदा मर गया पता है ना। क्या कहा? सदा मर गया ये बोल रहा हूँ। उसकी राख भी तुम्हारे साथ भेजा होगा। तुम्हें कैसे पता? हाँ वो क्या है ना, सर्कस का शेर वेज खाना खाने के लिए वेज होटल में गया बोलोगे तो मान लूंगा, लेकिन सदा सुधर गया बोलोगे तो मुझे भरोसा नहीं होगा। वो नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है वो। उसके तरीके से ही उसे मारने का फैसला मैंने कर लिया है। जैकी, आर्या ये तो सदा का दोस्त है ना, ये अंदर क्या कर रहा था? काम कर देगा ना? कर दूंगा भाई, सदा ने मुझे कितना टॉर्चर किया पता है, कोई और चारा नहीं था तो सहन करता रहा, उसे टपकाने का बस यही एक चांस है, जरूर करूंगा भाई मैं। उसे मरने की न्यूज मेरे पास आनी चाहिए। हाँ जरूर आएगी भाई, बस मेरा ख्याल रखना भाई। हाँ ए वकील उसे ऑन करो अब। नमस्ते सदा, बहुत दिन हो गए देखे, सब ठीक तो है? नमस्ते सदा। आओ सदा, लड़के तुम्हें बुलाने आते तुमने मना कर दिया, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अर्जेंट बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर बात कर लेंगे। नहीं जरूरी बात है, अभी करनी है। अरे अरे टाइम हो गया है। ए तुम लोग जाओ रे, तुम जाकर कार में बैठो, मैं ठीक है भाई। हाँ बोल, जल्दी बोल, जल्दी बता। बासुकी ये श्रवण मेरी तरह नहीं है, वो एक अच्छे घर का लड़का है, उसका परिवार उसके ही सहारे है, ये सब उसके लिए नहीं है, रहने दो, जाने दो उसे। क्या कह रहे हो तुम, वापस आए तो मैं खुश हुआ था, अब ना जाने क्या क्या बोल रहे हो। नहीं बासुकी, उसे बुला कर क्यों, उसे रहने दो बासुकी, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, अब रहने दो उसे। जो हो नहीं सकता वो बात करना बेकार है, तुम हो इसलिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। वो देखो कितने नए लड़के हैं, इन सभी को वही संभालता है, श्रवण की बात के अलावा अगर कोई और बात है तो बोलो। उसे छोड़ दो बस इतना ही। भूल जाओ, तुम धंधे का उसूल जानते हो, श्रवण को छोड़ दो रहने दो ये कहने मत आना दोबारा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। बासुकी तुमसे अगर बात करता रहा तो मेरा काम रुक जाएगा, मैं चलता हूँ। बासुकी बाद में देखेंगे। बस नमस्ते सदा। नमस्ते, नमस्ते सदा।, सदा जाए यहां से। कहां जाऊं? अपने गांव। और वो क्यों? श्रवण अभी तुम बाहर खड़े हो, ग्राउंड में नहीं उतरे, मैंने खेल कर देखा है, बहुत बुरा खेल है ये, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, लौट जाओ। ये तू कह रहा है? तेरे हाथ का चाकू मेरे हाथ में आ गया तो डर लग रहा है? ए किससे डर की बात कर रहा है तू, चक्कू इससे डरते हैं समझा, इसलिए मैंने पहले आने को मना किया था। रुकना रुकना, मैं दूध पीकर बड़ा नहीं हुआ, दारू पीकर बड़ा हुआ हूँ, चाकू के साथ खेला है मैंने। हाँ ये बच्चा है ना, बोर्ड लगाकर दीक्षा दे देना इसे। चुप करना यार, अच्छा परिवार है तुम्हारा, उस परिवार को तुम्हारी जरूरत है, ये सब काम अच्छा नहीं है। श्रवण मैं फिर से कह रहा हूँ चले जाओ। ओए कौन है तू, तेरा मेरा क्या नाता है? तेरी जगह मैं हूं तो चलन हो रही है तुझे, तो आ आकर देख लेना। ये देखना ही चाहता था ना, जा बुला रहा है ना, जा जा, इसलिए कहा था कि उस गांव में ही नहीं जाना है, जिस दिन वहां कदम रखा था उसी दिन ये पनौती लग गई थी, तू पहले की तरह क्यों नहीं रहता यार? नहीं यार ये नहीं जानता कि ये बोल क्या रहा है, जब इसे पता चलेगा तो। hey!
सदा, अब इसके आगे अगर तूने एक बार भी इसकी तरफदारी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, इसकी बात सुनने से अच्छा है कि तू मर ही जा। जाना जा जा। ए, ये तेरी भलाई के लिए आया तो तू उसे ही धक्का दे रहा है क्या? अबे पानी का बुलबुल है तू, देखता हूँ कितना उछलेगा। हाँ, जहाज डूबने वाला है, खड़े होकर पोज दे रहा है ना। चल यार, चल चल। दादा, अरे वहाँ क्या देख रहे हो? फॉरेन की दारू है, तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाया हूँ, आओ पिए। दादा क्या हुआ आजकल, कुछ ज्यादा ही शांत रहने लगे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है मैं जानता हूँ, इसे पियो सब खत्म हो जाएगी, आओ पियो। अरे क्या मैं बोले जा रहा हूँ, तुम उधर मुँह घुमाए बैठे हो, अंग्रेजों की शराब है, पियोगे तो धीरे धीरे चढ़ेगी। तो चुप रहा, मेरे कानों से जलता है तू। अब ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे ये बोतल कुछ अजीब सी लग रही है। फॉरेन की दारू है क्या? फॉरेन की दारू है तो फिर ये ठर्रा कौन पिएगा? तूने क्या नजर उतारने का धंधा शुरू किया है क्या? जब देखो तो बोतल ही फोड़ता रहता है क्या? अरे तू चुप रह, बना बना बना। हाथ लगाएगा तो तोड़ दूंगा। मैं सिर्फ सदा के लिए लेके आया हूँ, तुम फ्री में पीने चले आए। हाँ, बेवकूफ बनाने के लिए हम ही लोग मिले हैं ना तुझे। तू ही लाया है ना? पूछ कर देख ले, मैं ही लेकर आया हूँ। सच में सदा? सुन, कोई भी लाए उससे क्या, चल पैक बना, पैक बना। राजा हाथ हटा, वो तो बोला छोड़। हो गया तेरा काम, जो था वो भी चला गया। क्या हुआ? मिस हो गया भाई। क्या हुआ? मिस हो गया भाई। हमेशा तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला है, देखना। जरूर याद रखूंगा भाई। सदा, सदा, तुम्हारे पसंद की बिरयानी लेकर आया हूँ, आओ खा लो। बेकार में परेशान मत हो, खाओ ना सदा। इतने दिनों तक तुम ही खिलाते थे ना, पहली बार मैं लेके आया हूँ। सदा खाओ ना, सदा खाओगे तो अच्छी नींद आएगी। खाओ खाओ, लो 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 लो। सदा, खून की उल्टी हुई थी भाई, अस्पताल लेकर जाने से पहले दम तोड़ दिया। सब कैसे हो गया? मनी, सब कैसे हो? हे भगवान, ऐसे चला गया तू? ये ले ये ले, ये सब ले ले, ये थैले पर ही थी ना तेरी नजर, ये सब ले ले, सब ले ले, ये लेकर चला जा अब तू, चला जा हम लोग को छोड़कर। है भगवान, संभालो अपने आप को। बापू, तू कब मरेगा बापू? क्या यार तू? बोल ना बापू, कब मरेगा बोल ना। अरे जा रे, बोल ना बापू। बेटा बाप से ऐसे सवाल पूछता है क्या? जब तक नहीं बोलेगा मैं पूछता ही रहूं। गाय भैंस मरते हैं तो तू रोता है क्या?
इसके मोबाइल से उस आर्य को फोन कर। भाई लड़कों को नया मत समझना, खिलाड़ी हैं, अब तक तो खेल गए होंगे। हाँ हाँ भाई। आर्या बॉस की गेम बजाने गए थे, उनका फोन आ रहा है। स्पीकर ऑन करो। क्या? स्पीकर ऑन कर दो। क्या रे आर्या, बास्की को मारने के लिए लड़के भेजे थे ना? सदा नहीं है तो क्या बास्की को मारेगा? ओए, इस श्रवण के होते हुए तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तू तो ढीला हो चुका है रे, लड़कों में कोई तगड़ा लड़का नहीं भेज सकता, बेकार लड़कों को भेजा है तूने। तू मर्द है तो सामने आना, अभी भी तेरे भेजे लड़कों को मैं काट सकता हूँ। लेकिन क्यों जिंदा छोड़ रखा है पता है? यहाँ पर कोई है जो तुझे पता होना चाहिए। सोचा था तू बहुत बड़ा गुंडा होगा, लेकिन ना मर्दों की तरह गुंडों को भेजा तूने। ओए, तू बहुत बड़ा क्रिमिनल है, सोच कर ऐसे गलत प्लान मत कर। तू एक गुंडा है और तेरे पास एक हीरो है, शर्म नहीं आती रे तुझे? चुपचाप तू और तेरे लोग चूड़ियां पहनकर किसी दूसरे शहर में जाकर भीख मांग ले, बहुत पैसा मिलेगा। वैसे भी आदमी चीखता चिल्लाता है और अब ये दूसरों के शहर जाकर भीख मांगने को बोल रहे हैं। हम थोड़ा सावधान रहते, बहुत हंस रहा है। ए, तुम लोग क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ये सब तो धंधे में लगा ही रहता है। अच्छा, वो मिस कैसे हो गया? प्लान तो ठीक ही था, लेकिन मिस कैसे हो गया कुछ पता नहीं भाई। हाँ ठीक है, बच्चा है, अनजाने में फोन पर ऐसे बोल गया। चलो रे। ए, सारे लोग खा पी कर आराम करो, बस उसके ही लायक हो। सात बजे नहा लेना है, 8 बजे खाना खा लेना है और 9 बजे किसी को कैसे कैसे। उस बास्की को हमेशा अच्छे लड़के मिलते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं। भाई 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 भाई, सुंदर छोड़ दो, क्या हुआ बे? छोड़ो भाई, भाई क्या हुआ तुझे? उसे आधा घंटा हो गया मार रहा था, कह रहा है पागल हो गया क्या? नहीं भाई, मार रहे थे मेरे को, सच में इधर ही थे। क्या लड़का है, मैं भी डर ही गया था। आइए आइए आइए, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ ठीक, बैठिए। भैया कैसे हैं आप? ठीक हूँ बहन। भैया आपने कहा था मेरी शादी में आएंगे, पर आए भी नहीं, हम लोग इंतजार करते रह गए भैया। हाँ बेटा, ये तुम्हारा इंतजार कर रही थी पर तुम नहीं आए। बेटा ये इसके पति हैं। नमस्ते जी। चंद्रा, भाई से आशीर्वाद लेने के लिए तू इतनी दूर आई है ना? हाँ बाबा। हाँ तो आशीर्वाद लो बेटा, अगर ये नहीं होता ना तो ये शादी नहीं होती। जाओ जाकर आशीर्वाद लो। अरे वो सब रहने दीजिए, आप लोग भी। खुश रहो खुश रहो बेटा। ये वो पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए, रख लो ना बेटा। नहीं नहीं, नहीं मना मत करो, पता है श्रवण अब बहुत अच्छा कमाता है, इसलिए ना मत करो बेटा। लो रख लो रख लो। क्या हुआ, इस बार हफ्ता भी नहीं दिए, लाओ दो। लेकिन हम तो किसी को नहीं देते। मैं एरिया का हवलदार हूँ पता है। आईजी मांगे तो भी नहीं देते। मास्टर 10 डोसे दो। मत बनाना। तो फिर 5 इडली। मत बांधो। 2 वड़ा। मत बनाओ। 1 चाय तो पिला दो यार। ऐसे दो। अरे हराम करो, 1 चाय के लिए एनकाउंटर करवा दूंगा समझ लेना। तुम भले ही एनकाउंटर में टपका दो, लेकिन इस गले में से 10 पैसे भी नहीं देंगे। रखो। अरे देखो भाई कैसे? देखो, देखा ना, देखा ना, 2 इडली के लिए मेरी बेइज्जती कर रहा है। होटल वाले शेखर, हमारे साहब कौन है तुझे पता नहीं है क्या? जेटली को जेट पर भेजने वाले, तूने इसको इडली मना कर दी क्या? चुप कर बे। ओए तुम्हें अकल है कि नहीं? अरे डिपार्टमेंट का नाम क्यों खराब करते हो यार? देखो आजकल सदा डल है, इसके लिए तुम बस दारू की बोतल का इंतजाम कर दो। 2 इडली 10 इडली और मच्छी का सूप और मटन बिरयानी मैं तैयार करूंगा, बोलता हूँ। देखा ना, तुम्हें बिगाड़ने का कारण यही है। जैसे पहले बहुत शरीफ था ना। अरे सुन लो भाई, हमेशा की तरह मजाक मत समझो, मेरी एक बात सुनो। आर्या और उसका जीजा मुन्ना सिंह DC। कौन? तुम्हारा DC। तीनों लोग मिलकर तुम्हारे ग्रुप का एनकाउंटर करने का प्लान बना रहे हैं। लिस्ट में पहले कौन है पता है? बास्की और दूसरा श्रवण। ये कब होगा ये मैं भी नहीं जानता। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर चुका हूँ, लेकिन मेरी भावना तुम्हारे साथ ही है, इसीलिए तुम लोग अपनी जान बचा लो, थोड़ा संभल कर रहना भाई। ए सदा, देखा मामला कहाँ मोड़ ले रहा है। ठीक है चलो, मैं तुम्हें बिरयानी खिला। हाँ।
देखा ये है उसका फ्लैट। हाँ तूने धंधा करके क्या किया यार अब तक। हालात ठीक नहीं है, अब तो मेरी बात मान ले, वापस चला जा। श्रवण, पुलिस और आर्या मिलकर सबको ठोकने का प्लान कर रहे हैं। प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है, खतरा है, चला जा यहाँ से। तू मुझे पुराना श्रवण समझ कर बात मत कर। तुझे मौत का डर लगने लगा तो तूने चाकू नीचे छोड़ा, और मुझे मौत का डर चला गया तो उस चाकू को मैंने हाथ में ले लिया। कोई प्लान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम समझ नहीं रहे हो, मामला सीरियस है। ए, जाओ जाओ अपने गांव जाओ जाओ। ए, क्या धक्का मार रहा है तू? अरे बात करते समय धक्का मार रहा है। टेंशन मत ले, चुप रह तू। ए, तू जा यहां से, जा यहां से, जा जा यहां से। तू सदा ये भी नहीं याद रखूंगा। सदा मैंने बोला नहीं, बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा बात। तू नहीं सुन रहा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई बे? ए, जा यहां से, निकल जा, जा, जा। कल का आया लौंडा हम पे हाथ उठाता है, तेरे पे हाथ उठाता है, वो तेरे पे हाथ उठा के चला गया। अबे सदा तू चुपचाप बैठ यार, मुझे श्रवण चले जाओ, श्रवण चले जाओ तू कह रहा है। अरे वो तो अपने आपको बाप समझने लगा है, तो फिर तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? एनकाउंटर की बात की तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ए, अगर उसकी जान कुत्तों की तरह जानी लिखे ना तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। हा? तुझे क्या पड़ी है बे? ये देख सदा, हमें हमारा काम करना है, समझा ना? ए, तू सब जानता है फिर भी बोल रहा है? उसकी जान चली गई तो उसके बाद रोकर क्या फायदा? बेचारे हैं उसके घर वाले, उस लड़के पर उनकी जान अटकी है। अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि बिजनेस कर रहा है और यहाँ पर ये काम कर रहा है। ये इसके साथ अगर कुछ हो गया ना तो इसके साथ 5 जाने और जाएंगी, ये नहीं जानता है वो। क्या धंधा है ये, उसे देखा नहीं जाएगा यार। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है वो, आंखों पर पट्टी बांध करके आगे बढ़ रहा है वो। ये सब ठीक नहीं है, उसे वापस भेजना ही होगा। हाँ भेजना, अच्छी तरह से भेज दे। तुझे देखकर डरने वाले आज तुझ पर हाथ उठाएंगे और तू मार खाकर यहाँ समंदर देखते खड़े रहना। ये देख सदा, ये सब मैं नहीं देख सकता, तू जाने और वो जाने, कुछ भी करो। जब मेरी बात तुझे माननी नहीं है तो मैं यहाँ खड़ा क्यों? मैं जा रहा हूँ, बचाएगा उसको, शक्ल देख अपनी। ओ देवा, सच में जा रहा है तू? हाँ बे, मेरी बीवी बच्चे घर में खाना बनाकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, खाने जा रहा हूँ ना। ए सदा, मेरा और कौन है यार तेरे अलावा? तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है चल चल, एक चाय पिला। क्या देख रहे हो भाई, डोसा कैसे बना रहे हैं? भाई एक्सपर्ट हैं। है? ये लो स्पेशल सांभर। हाँ जवान लड़के हो, अच्छी तरह से खाना, जाओ खाओ। कमीना कहीं का। आर्या कहाँ है? अंदर डोसा डोसा। ए राजेश्वर। हाँ भाई। डोसा कैसा लगा? बहुत अच्छा है, स्पेशल था ना। हाँ तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा भाई। तुम्हारे लिए 2 चम्मच घी डाला है। हाँ। ए, और चाहिए तो ले लेना। आर्या क्या ये सब? हाँ अब दुश्मन को तो मार नहीं पाया लेकिन डोसा तो खिला सकता हूँ। अरे क्या भाई, अभी उस बच्चे श्रवण को मारने का प्लान बनाने की बजाय डोसा बनाकर खिला रहे हो इन लोगों को। डीसी और तूने एनकाउंटर का प्लान करके क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया तूने? ए तू बैठ जा। ए तू खा रे, तुम्हारे लिए 2 डोसा बनाकर लाऊं क्या? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शुरू कर दिया इसने, सीधे साधे इंसान को पुलिस स्टेशन में पीटा, फिर पार्क में उसे ढूंढ कर उसकी माँ को गाली दी, फिर गुस्से में उसने तुम्हें चाटा मारा, और आज गुंडा बनकर हमारी नाक में दम कर रहा है। ए, जो हो गया उसकी बात करके क्यों टाइम खराब कर रहा है? ए, अपने पंचायत बाहर जाकर सुलझाओ, जाओ यहाँ से। आजा, तुम परेशान मत हो, मैंने शर्मन को मारने के लिए नया आइडिया सोचा हुआ है। जैसे आइडिया की फैक्ट्री इसी के पास। मुकेश भाई आइए। नमस्ते आर्या। आजा मुकेश भाई को तो जानते ही हो ना? हाँ जानता हूँ जानता हूँ। ये हमारी हेल्प करने के लिए कह रहे हैं। ए जा रे, ए तू भी जा, ए तू बैठ बैठ।
आर्या, वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया। बासुकी श्रवण पे मैंने भरोसा किया लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें मारने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें जो मदद चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। ये क्या है? बात सच है, श्रवण को बुलाना इनकी जिम्मेदारी है और टपकाना तुम्हारी जिम्मेदारी। आर्या, कंफर्म करो तो मैं चैप्टर क्लोज कर दूं। भाई काम खत्म करके फोन करो, बाकी मैं देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा। माता, जब से मैंने होश संभाला है तब से अच्छा हो या बुरा सिर्फ हम दोनों ने आपस में बात की है। खुद जानती हो ना, बाबा उस सदा से मेरी शादी की बात करते रहते थे, तब मैंने हाँ नहीं किया था क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वो अब बदल गया है इसलिए मैंने उसी से शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन मेरे बाबा आजकल उससे कोई बात ही नहीं करते हैं। मैं आज ना सदा से अपने दिल की बात करने जा रही हूँ। मैं उससे शादी करके उसके बच्चे और घर संभाल कर खुश रहना चाहती हूँ। सबकी तुम ही गवाह हो, तुम ही जिम्मेदार हो। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? मार डाला सदा। किसने? आर्या। आर्या ने? उसके पास तू क्या कर रहा था? चल चल चल। रुक रुक रुक। इतने दिनों तक मैं उसके साथ ही मिला हुआ था सदा। आर्या ने मेरे सारे तुझे मारने की कोशिश की थी सदा। मैं नहीं मारता तो किसी और से तुझे मरवा डाला होता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं तुझे नहीं मार पाऊंगा, उसे पता चल गया है सदा। जैकी, ये सदा की बात कहाँ तक पहुँची? मिस हो रहा है भाई। मिस हो जा रहा है? हाँ भाई, मिस हो रहा है। मिस हो ही रहा है। हाँ भाई। शरवत को मारने के लिए आर्या ने मुकेश के साथ मिलकर प्लान किया है सदा। उससे शरवत जिंदा नहीं बच सकता। उसके बाद तुम हो सदा। मुझे डर नहीं था सदा। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, चल जाके। Thank you.
खाओ ना भाई, खाओ। ए उठा इसे। ये लो सांभर। मुझे ना कोई खाना ना खाए तो अच्छा नहीं लगता। खाओ खाओ। मैं तुमको ना मर्द दिखता हूं ना, फोन पर कहा था ना, गांव से उठकर आकर मेरे सामने भौंकोगे। ए खंजर दो मुझे, मैं कभी भूखे को नहीं मार सकता। खाओ। क्या हुआ भाई? भाई भाई उठो भाई। देखा ना कैसे कैसे प्लान किया था। चला जा कहा ना, मेरी बात नहीं मानी। अभी तू बाहर खड़ा है, खेल नहीं शुरू किया है तूने। देख ये है खेल, नहीं मारता तो ये लोग तुझे मार देते। जा, तेरे मतलब का नहीं है ये सब मैं देख लूंगा। एक पल भी तेरा यहां रुकना। सदा सॉरी सदा, हमें माफ कर दो सदा। कल का आया लड़का, उसके नीचे हम सबको काम करना पड़ रहा था, इसीलिए हमें जलन हो रही थी सदा। सॉरी सदा, हमें माफ कर दो सदा। सदा हमें माफ कर दो सदा। सदा हमें मारना मत सदा। सदा हमें मारना मत सदा। माफ कर दो सदा, हमें माफ कर दो सदा। सदा हमें माफ कर दो सदा, हमें माफ कर दो सदा। सदा ए? सदा क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार? देखा ना, तो जरा सा मैंने लापरवाही की तो क्या हुआ? ए, सदा ये क्या हुआ यार? नहीं बचूंगा देवा। ये क्या कर रहा? ये सब तेरी वजह से हुआ है। सदा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेन पॉइंट पे मारा है, मुझे नहीं पता है कहां मारो तो जान जाती है। सब खत्म हो गया, खत्म हो गया सब। सदा बहुत गलत काम है, बहुत ही गलत। यही हर्ष
कुछ नहीं हो सकता। सदा भगवान, चला जाऊंगा। Thank you.